Hey guys, welcome to Shivani's Kitchen. मीठे होते हैं तो शक्कर आप कम ही डालें, जिससे कि हमारा शेक बहुत ही टेस्टी बने और उसका स्वाद बिगड़े नहीं। अब हम जार का ढक्कन लगाकर मिक्सर पर इसको 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यू चलाएंगे। 2 से 3 मिनट चलाने के बाद हमारा शेक तैयार हो जाएगा। इसको हम जार या ग्लास में सर्व करेंगे। सो गाइज, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू गाइज।